ये 226 हैमर ड्रिल है जिसका कि हैमर ठीक ढंग से काम नहीं करता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग एक बार चालू करके। सीरीज में मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ इसे। ये जो प्रेशर बनाना चाहिए हैमर का वो नहीं बनाता है। तो चलिए इसको करते हैं रिपेयर। तो सबसे पहले हम ये नॉब खोलेंगे यहाँ से, ये पाना निकाल देते हैं पहले। इस पाने को निकाला हमने, इसके बाद जो इसका ये नॉब है इसको खोलेंगे। तो इसका खोलने का भी तरीका आपको सीखना है। देखिए ये नोब खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिट करना भी बहुत मुश्किल रहता है, तो इसलिए इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए आप। यहाँ से कुछ देखिए, इसको प्रेस करेंगे, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इधर घुमाएंगे और फिर इसको ज़बरदस्त अंदर तक, रेड वाला जो अंदर तक जाएगा फिर ऐसे घूमेगा ये, और कुछ इस तरह से इसको धीरे से हमको निकालना है। ये देखिए ये हमारा नोब बाहर निकला है। नो बाहर निकालने के बाद में फिर चलिए इसको यहाँ से कुछ पहले आगे से खोल लेते हैं। इसको कुछ इस तरह से आराम से निकालेंगे। ये भी 220 जैसा ही खुलता है। 220 में एक ही लॉक लगा रहता है, इसमें थोड़े दो लॉक लगे रहते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से ये जो लॉक लगा है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दो लॉक है, एक लॉक तो इसका ऑलरेडी पहले से ही निकल आ रहा है, बाहर निकला हुआ है, और इसको निकाल देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ का कुछ इसका 220 जैसा ही फिटिंग रहता है, स्प्रिंग वगैरह ये वाशर वगैरह जो भी पार्ट्स सेम नहीं रहता, पार्ट्स अलग अलग रहता है। ये देखिए है पारा है जो छर्रा बोलते हैं, इसको खोलते वक्त ध्यान रखना कहीं खो नहीं जाए। ये हो गया स्प्रिंग जो एक साइड से चौड़ा और एक साइड से हल्का छोटा रहता है। इसके बाद देखिए ये चार लंबे लंबे पारे लगे रहते हैं इसमें, इनको निकालेंगे हम। ये देखिए थोड़ी फिट है, थोप के निकालना पड़ेगा इनको। किसी किसी मशीन में तो लूज रहते हैं तो बहुत ही आराम से ऑटोमेटिक ही निकल आते हैं। इसको कुछ इस तरह से हिलाएंगे और हिला करके धीरे से इनको खींच लेंगे, या तो ठोकर थोप देंगे इनसे हल्का सा नीचे तो ये निकल जाएंगे बाहर। ये देखिए एक हमारा निकल आया। इसी तरह से इनको चार लगे रहते हैं, इन चारों को हमको आराम से निकाल लेना है। कुछ इस तरह से इसको खिसकाएंगे तो ये लूज हो जाता है जैसे। ये देखिए चारों को निकाल लेना है। तो चलिए ये भी हमारा निकल आया, इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके ये जो चार स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर हाउसिंग बॉडी वाले, इनको खोल देते हैं फटाफट। यहाँ पर वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कुछ यहाँ से हाउजिंग को आगे वाले को पकड़ के और इसमें थोड़ी ठोकर मारेंगे इस तरह से, तो ये देखिए हमारा निकल आएगा अंदर से। ये जो इसका आईजी रहता है अंदर वाला, इसको नहीं निकलना चाहिए आर्मेचर, नहीं तो साथ में निकल आएगा, फिर पीछे से भी खोलना पड़ेगा। चलिए इसका जो पिस्टन पाइप रहता है ये निकल आया देखिए, और इसमें हमको अभी कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये पार्ट सब साफ करेंगे एक बार, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। सब सामान को खोलने में और फिटिंग करने में आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बैरिंग के साथ में गियर रहता है, तो देखिए इसका जो पिस्टन है
वो बिल्कुल सही है, हैमर करता था ये, लेकिन करता था कभी छोड़ देता था, कभी करता था कभी छोड़ देता था, तो इसलिए इसमें जो जीरो रिंग का है वो प्रॉब्लम है, तो इसमें जीरो रिंग हम लोग चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से कुछ ये काम करता है यहाँ पर अंदर। पिस्टन इसका टूटा नहीं है, पिस्टन बिल्कुल सही है, ये इसका जो जीरो रिंग आता है ये खराब हो गया है, सभी पार्ट्स इसका जो है मिट्टी के तेल से या डीजल से हम साफ कर लेंगे। वीडियो को थोड़ी यहाँ पर भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। ये जो हमारा नोब रहता है कुछ इसके साथ में यहाँ पर अटैच होकर के काम करता है, जो कि हैमर और ड्रिलिंग, सादा ड्रिलिंग के काम में आता है। इसको भी पाइप को भी साफ कर देते हैं। अभी सभी पार्ट्स को अच्छे से साफ करने के लिए जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाता है, कोई एक लंबा वीडियो बना दूंगा पूरा फिटिंग का इसका 226 का। ये पिस्टन इसका यहाँ से बिल्कुल सही है, तो फिर यहाँ से इसको बाहर निकालने का ज़रूरत नहीं है, जब ख़राब होगा किसी मशीन में आएगा तब मैं यहाँ से बाहर निकाल के भी बता दूंगा आपको, तो भी इसको बाहर निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जीरो रिंग कैसे चेंज करना है वही बता रहा हूँ, तो ये जीरो रिंग ले लेंगे हम। तो गाइस वीडियो यदि अगर अच्छा लगा करे तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप लोग शेयर और लाइक करोगे कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आगे और वीडियो इसी तरह बनाते रहेंगे। चलिए पिस्टन से यहाँ से कुछ इससे रिंग निकाल लेते हैं। ये देखिए ये कुछ रिंग को, जीरो रिंग को इस तरह से बाहर निकालेंगे और इसके अंदर नया जीरो रिंग डाल देंगे। ये देखिए ये जीरो रिंग हमारा नया पड़ गया। इसके बाद में ग्रीस ऑयल वगैरह सब करके और इस मशीन का फिटिंग कर देंगे। यहाँ से देखिए ये जो वायरिंग है कुछ इसको इस तरह से फिट करना है यहाँ पर। ये कभी कभी ख़राब भी हो जाता है वायरिंग, तो चेंज भी ऐसे ही कर सकते हो। इसको कुछ इस तरह से फिट करेंगे और फिर पिस्टन के अंदर यहाँ पर ऑयल और ग्रीस डालेंगे। ये कुछ इस तरह से इतना ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, ऑयल अच्छा वाला यूज करिए। यहाँ से कुछ इस तरह से इसमें ग्रीस डाल देंगे। इसको भी डाल देंगे पिस्टन के अंदर।
इसके बाद में जो आगे का पाइप वाला सेट रहता है कुछ इस तरह से इसको फिट करेंगे। इसको मैं सीरीज में डाल के चालू कर रहा हूँ, जो बीच बीच में मशीन को चालू करता हूँ तो सीरीज में पड़ा हुआ है। आप लोग डायरेक्ट लगा करके बोर्ड पे मत इसको चालू करना, नहीं एकदम तेज़ी से चलने लगेगा मशीन, आपके हाथ में लग सकता हूँ। ये सीरीज में खाली मैं चेक कर रहा हूँ इस पर, और कुछ इस तरह से इसको फिट कर देंगे। सीरीज वाला वीडियो मैं 2-3 दिन के अंदर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा बना करके कि सीरीज कैसे बनाते हैं, सीरीज में कैसे मशीन को चालू करना है। कुछ इस तरह से यहाँ से इसको, यहाँ पर हमारा नॉब सेट रहता है तो नॉब का जो पिन रहता है इसको जाने के लिए इसको यहाँ पर सीधा रहना चाहिए। ये देखिए जो पिन दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर वाला खांचा रहता है इस खांचे में सेट हो जाता है ऐसे कुछ यहाँ पर, ये ध्यान रखना। इसको अच्छी तरह से यहाँ से प्रेस करेंगे, रेड वाला जो है इसको दबा के रखना है। कुछ थोड़ी फिटिंग में दिक्कत होता है इसको, बहुत ही आराम से फिट करनी है क्योंकि तो हमारा तीनों सिस्टम काम भी करना चाहिए, क्योंकि तो वो जो बैरिंग अंदर हमने सेट किया था ना, जहाँ पर बताया कि इसका पिन सेट होता है तो बीच में दोनों के रहना चाहिए इसको। ये देखिए फिट हो गए, अब ये तीनों सिस्टम काम करे तो समझ लेना कि हमारा नोब अच्छे से फिट हो चुका। मैं एक बार चालू करके चेक करता हूँ इसको, देखिए जो तोड़ने वाला जो रहता है डेमोलेशन वाला, ये देखिए तो ये डेमोलेशन हमारा काम कर रहा है तोड़ने वाला, ये हमारा ड्रिलिंग और हैमरिंग दोनों हो गए, और ये हमारा कुछ इस तरह से सादा हो गया। तो तीनों सिस्टम काम कर रहा है, तो नोब को फिट करते वक्त इतना ही ध्यान रखना है आपको कि तीनों सिस्टम काम करना चाहिए। चलिए अभी इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीस और ऑयल डालेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से इसको फिट करेंगे जैसे हमने ओपन किया था। ये जो खांचे रहते हैं इसके सीधे में इसको सेट करना है, दोनों ये होल है ये बराबर में हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लंबे वाले पारे हमने निकाले थे वो यहाँ पर हमको सेट करना है। थोड़ी फिट हो रहा है तो ऐसे कुछ लकड़ी का हथौड़ा भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, इससे ठोकर मारेंगे यहाँ पर ऐसे, और ये जो चारों पारे लगे थे हमारे इनको फिट करेंगे। ये देखिए एक पारा फिट हो गया, कुछ दूसरा भी फिट हो गया। ये होल बिल्कुल सीधे में रहेगा दोनों का, तो आराम से सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ये एक ही डालने में भी परेशान कर रहा है थोड़ी, और निकालने में भी परेशान किया था। चलिए ये भी सेट हो गए। अभी कुछ इस तरह से इसका ये स्प्रिंग लेंगे, इस तरह से यहाँ से इसको लेंगे और
जिधर नीचे एक नीचे की तरफ जो उठा रहता है वो अंदर की तरफ रखेंगे, यहाँ से पारा फिट कर देंगे। इसके बाद ये वॉशर ले लेंगे। ये लॉक देखिए यहाँ पर फिट रहता है, तो ये लॉक थोड़ी चौड़ा हो गया है जिससे ये बाहर निकल आता है, तो इसको इस तरह से ठोक करके और इसको थोड़ी साइज छोटा कर लेंगे ताकि ये बाहर ऑटोमेटिक नहीं निकले। इस तरह से ठोंक लेंगे इसको दोनों साइड से। ये लॉक जो रहता है आराम से फिट हो जाता है, थोड़ी हार्ड रहता है, इसको आराम से इस तरह से दबा के चारों तरफ से और फिट कर सकते हो आप। ये देखिए ये जैसे ही ऐसे करेंगे प्रेस करेंगे ये फिट हो गया। इसके बाद इसमें दो लॉक आते हैं और 220 में एक ही आता है। बोस का डिजाइन थोड़ी अलग रहता है, बोस कंपनी का, और बाकी जो ये कुछ कंपनी के ड्रिल आते हैं वो सब एक जैसे ही रहते हैं। यहाँ से इसको ऊपर वाले लॉक को भी सेट कर देंगे। ये लीजिए हमारा सेट हो गया। ये ऊपर वाला कुछ इस तरह से इसमें फिट कर देंगे और इसके बाद मशीन को हम एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं। सादा चल रहा है अभी। ये हैमर और ड्रिलिंग दोनों हो गया और ये कुछ हमारा तोड़ने वाला हो गया। जब तो तोड़ने वाला डेमोलेशन काम करेगा तब फिर ये घूमेगा नहीं ड्रिलिंग जैसा। चलिए इसको यहाँ पर मैं लगा के थोड़ी टेस्ट कर देता हूँ कि, तो ये देख सकते हैं इसका हैमर है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ हैमर का प्रॉब्लम दूर हो गया है इस मशीन का। बस इसी तरह से इसको रिपेयर करना है। ये जो दो स्क्रू बचे हैं इनको फिट कर देते हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी वीडियो को पूरा देखा होगा जरूर समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो और भी मुझे सपोर्ट मिलेगा आपका।